तो जैसे कि आपको पता है कि भारत सरकार ने एक नई ईवी सब्सिडी स्कीम ईएमपीएस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लॉन्च की है, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही परचेस करें। ये स्कीम 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुकी है और केवल 4 महीने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, यानी 31 जुलाई 2024 को ये स्कीम बंद हो जाएगी। ईएमपीएस स्कीम के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फेम टू सब्सिडी है वो अब 31 मार्च से बंद हो चुकी है, जिसमें कि आपको स्कूटर के बैटरी पैक के हिसाब से सब्सिडी मिलती थी। 1 किलोवाट आवर पर आपको 5,000 रुपीज़ की सब्सिडी मिल जाती थी। यदि आपका स्कूटर 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला है तो 10,000 की सब्सिडी मिल जाती थी, और यदि 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला स्कूटर है तो 15,000 की सब्सिडी मिल जाती थी। नई ईवी सब्सिडी स्कीम ईएमपीएस में भी आपको 1 किलोवाट आवर बैटरी पैक पर 5,000 की ही सब्सिडी मिलेगी, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम जो है एक व्हीकल पर 10,000 की ही सब्सिडी मिलेगी। तो जो आपकी फेम टू सब्सिडी स्कीम है, जो कि 31 मार्च को बंद हो चुकी है, वो नई सब्सिडी स्कीम ईएमपीएस से बेहतर थी। ईएमपीएस स्कीम आने से 2 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है फेम टू सब्सिडी के कंपैरिजन में 5 से 10 हज़ार रुपये महंगे देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो ओला का स्कूटर बुक किया है उसमें अप्रैल से पहले फेम टू सब्सिडी दिखा रहा था, और अब जो है इसमें ईएमपी स्कीम दिखा रहा है, जो कि ईवी सब्सिडी स्कीम है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे ओला S1X की वेरिएंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। ओला S1X के की वेरिएंट से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।